Hey guys, welcome back to my channel Blossom Valley. I hope you guys are doing amazing. Today in this video, I am going to share with you guys about my kitchen update. So in the previous blog, you already saw that I was about to set up my appliances in the kitchen. If you haven't watched it, I will suggest it in the end of this video. So definitely go check and watch. If you have already watched and you've been following me, so please don't forget to subscribe to my channel. This is the last episode of kitchen. So guys, as you can see, मेरे appliances भी set हो गए हैं यहाँ पे. But इससे पहले कि मैं appliances दिखाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा new purchase. So this I got it from Amazon. ये मैंने Amazon से लिया है और काफ़ी amazing product है. यहाँ पे है छोटा सा बाउल जिसमें आप आराम से सब चीज़ें निकाल सकते हो. मैंने ट्राई करते टाइम थोड़ा सा नीचे गिरा दिया, बट ये काफ़ी सारे मैंने इसमें दाल वगैरह, कावली चना, जितना भी मेरे पास अभी स्टॉक में था वो मैंने इसमें अभी रखा हुआ है. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू हैव दिस. काफ़ी स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाता है सिर्फ इस एक सिंगल परचेज से. 6 आइटम्स मैं इसमें अरेंज करके रख सकती हूँ एंड दैट्स समथिंग रियली कूल. सो आई रियली एंजॉय दैट आई हैव दिस इन दिस कॉर्नर. और चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं अपना अप्लायंसेस दिखाती हूँ. सो सबसे पहले तो हमारा ये मिक्सर सभी इंडियन हाउस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ द मिक्सर जार दैट आई यूज़ फॉर माई डेली लाइक ग्राइंडिंग एंड ऑल. एंड दिस इज़ द टोस्टर जो मैंने नीचे टोस्टर रखा था वो मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि काफ़ी स्पेस था और फिर मैं इसको अच्छे से डेली यूज़ भी करती हूँ तो फिर मुझे काम आएगा ये यहाँ पे रखना. दिस इज़ द राइस कुकर. मैं मोस्टली राइस इसमें बनाती हूँ. काफ़ी ईजी होता है जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो इसमें बस तुम राइस वाइस डाल के छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो सेट ऑफ हो जाएगा एंड देन इट विल कीप वॉर्म. तो काफ़ी यूज़फुल अप्लायंसेस है ये. सो इतने चीज़ें मैंने इस इधर रखे हैं. एंड देन ये वाला जो काउंटर, जो मेरा चॉपिंग बोर्ड वाला काउंटर टॉप था, उसमें मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं. सो मैंने यहाँ पे अपना एयर फ्रायर रखा है जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बट जब भी यूज़ करती हूँ मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने इसे यहीं पे कॉर्नर पे रखा है. और दिस इज़ माई कैटल. सो जब भी हम को गर्म पानी चाहिए रहता है तो वो उसके लिए बहुत एक्सेसिबल होता है, काफ़ी जल्दी गर्म पानी हो जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. ईजी होता है, आराम से इसे यहाँ से उठाओ और यहाँ से पानी भरो एंड देन वापस इसे यहाँ पे रख दो एंड देन इट विल कीप योर वाटर वॉर्म. और मैंने यहाँ पे पेपर टॉवल भी रखा है. लास्ट टाइम आई थिंक मैंने पेपर टॉवल नहीं रखा था तो वो भी बहुत ही यूज़फुल है बिसाइड बेसिन. सो या दिस इज़ ऑल कंप्लीटेड गाइस. दिखाऊंगी कंप्लीट टूर और थोड़ा मोटा डेकोरेशन भी कर देते हैं. काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए, डेकोरेशन नहीं, कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं वो सब चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे जो पिंस होते हैं ना, बोर्ड पिंस जो होते हैं पतले पतले, वो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो घर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं तो काफ़ी आसानी से वो क्लिप हो जाते हैं और काफ़ी स्टेडी रहते हैं. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपने कुछ एसेंशियल आइटम्स को हैंग कर दिया है. सो दो मैंने मेजरिंग कप्स हैंग किया है और एक प्यारा सा रेड कलर का ये स्पैचुला था जिसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती बट आई रियली लाइक इट. सो वो मैंने यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए रखा है. ये है एक रैकेट जो ऑफकोर्स फ्लाइज लाइज के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. और ये है मेरा और ये है मिल्टन्स. सो ये दो मैंने मिल्टन्स बड़े प्यारे से अरेंज करके ऐसे मैंने वॉल पे हैंग कर दिया है. काफ़ी क्यूट सा लग रहा है ये. और यहाँ पे मैंने साइड में कुछ
एक लंबा सा फ्लावर बेस था, तो उस पे मैंने ये प्यारे से फ्लावर्स मैंने रखे हैं। एंड देन अदर साइड मैंने यहाँ पे मेरे पास दो फ्रेम्स थे, प्यारा सा पोस्टर था, तो वो मैंने यहाँ पे किचन के लिए हैंग कर दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये एरिया तो कंप्लीट हो गया है। आई थिंक दिस मच ही चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। एंड देन गाइज, ओनली थिंग इज़ रिमेनिंग ये दो दो ये जो दो ड्रॉर्स हैं वहाँ पे। सो मैंने एक ड्रॉर में तो रख दिया है सामान, ये फॉइल्स है रैपिंग के लिए, एवोकाडो के लिए इस टाइप का रैपर, मल्टीपर्पज़ फॉइल्स, और ये सब पेपर्स, ये सब मैंने रखा है। सॉरी, एयर फ्रायर के लिए यूज़ आता है। सो दिस ड्रॉअर इज़ ऑक्यूपाइड नाउ। सो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें रखा है। एंड देन यहाँ पे आई एम थिंकिंग टू पुट ऑल माई चम्मच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे मैं चम्मच और ये सब चीज़ें रखूँगी, तो वो सब चीज़ें मैं रख देती हूँ एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, जो मेरा दूसरा ड्रॉअर था वो भी मैंने फिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े स्पैचुलास जो थे वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे स्पून्स हैं खाने वगैरह के लिए, फोक है, एंड स्ट्रॉज है, और भी बटर नाइफ है। एंड देन पीछे मैंने रखा है जो भी चीज़ मैं उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, लाइक ये है पिज़्ज़ा कटर या कुछ भी पराठा वगैरह कट करने के लिए। इट्स वेरी नाइस, और ये हमें हमारे अपार्टमेंट की तरफ से मिला था। सो एंड ये भी है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपका जो स्टोव है उसमें काफ़ी कुछ ऐसा ग्रीसी सा या एकदम स्टिकी सा कुछ गंदगी लगी हुई है या कुछ जल गया है, तो फिर आप उसको इसके स्क्रैप करके आप उससे कर सकते हो। यहाँ पे ब्लेड दिया हुआ है, सॉरी आई नो, आई होप इट विल फोकस, या सो ये है वो। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अदरवाइज़ बाकी पीछे तो नाइफ शार्प करने के लिए है, फनल है टू पुट पोर समथिंग, फिर है हम मछली वगैरह के लिए रखे हैं ये स्कैल्प निकालने के लिए उसका, और ये है टीन वाले जो आते हैं उसे खोलने के लिए। ये है। या गाइज, ये भी हो गया है। और यहाँ पे मैंने साइड में एक बड़ा सा चाकू रखा है, तो यहाँ पे जो बड़े जो होल चिकन होते हैं वो हमें खुद घर ला के काट कट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ये रखा है। सो या गाइज, माई किचन इज़ ऑलमोस्ट रेडी, और एज़ यू कैन सी बिल्कुल ही मैं इसे ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। एंड आई थिंक माई किचन इज़ नाउ गुड एंड फंक्शनल। सो गाइज, हमारे पास पानी पीने के लिए जो फिल्टर है वो ये है प्योर का। आई थिंक ये हमने टारगेट से लिया था, और ये काफ़ी बड़ा वाला है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो कभी भी हमें चाहिए होता है पानी तो मस्त यहाँ पे ऐसे कप लगा लेते हैं एंड देन इसे ऐसे नीचे करते हैं तो पानी आ जाता है। एज़ यू कैन सी ये अभी फिल्टर कर रहा है। तो और ये मैंने साइड में एक जार रखा हुआ है ताकि बेसिन से मैं जब भी मुझे इसे फिल करना होता है मैं इस जार से मैं इसे फिल करती हूँ। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, तो अगर आपको कुछ बड़ा फिल्टर चाहिए होता है तो आप इसे ले सकते हो, एंड हाईली गुड क्वालिटी, और पानी भी बहुत अच्छे से प्योरीफाई कर देता है। और गाइस, मैंने एक चीज़ के बारे में आपको बताया नहीं, ये फुट का ये मैट है ये काफ़ी कुशनी होता है, काफ़ी थिक होता है। एज़ यू कैन सी ये काफ़ी कुशनी होता है, फ्लफ, मतलब बहुत ही इस पे खड़े होके काम करने से पैर वैर में दर्द वर्द नहीं होता है। तो ये मैट हमने लाया था, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम हॉबी लॉबी।
सो इसका भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर मुझे अमेज़ॉन वगैरह में दिखेगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। और एक यहाँ पे जहाँ पे मैं चॉपिंग करती हूँ ना, वहाँ पे नीचे मैंने ये लगा रखा है, तो टोटल यहाँ पे दो है। आई थिंक मुझे एक और की रिक्वायरमेंट है जो मैं इन दोनों के बीच में लगाऊंगी। और यहाँ पे ये है हमारा डस्टबिन, जो कि बहुत ही एलिगेंट और ये स्टेनलेस स्टील का है और काफ़ी बड़ा है, तो आराम से मुझे 2-3 दिन का जो भी डस्टबिन हो, मतलब ट्रैश फेंकने का होता है, वो सब चीज़ मैं इसके अंदर डाल के, एंड देन बहुत ही क्वालिटी भी बहुत अच्छी है अगर मुझे ऑनलाइन मिलेगा। बेसिकली ये कॉस्को से लिया हुआ है, तो ये काफ़ी क्वालिटी की चीज़ें हैं। मेरे घर पे काफ़ी कुछ सामान आप देखोगे ना, वो कॉस्को की चीज़ें हैं। स्टैंड होता है वो मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पे आराम से मैं फ्रूट्स जो भी मुझे फ्रिज से निकालना होता है मैं यहाँ पे रख देती हूँ, एंड देन दिन में कभी भी जब हमें खाना होता है तो हम इसे खा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक स्टैंड है इसमें, जिसमें ये बनाना हैंग हो जाता है और काफ़ी एलिगेंट सा लगता है। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप यू इन्जॉयड वॉचिंग इट ऑल। इफ़ यू हैवन्ट वॉच्ड माई प्रीवियस ब्लॉग, प्लीज़ गो चेक इट। देर इज़ अ लॉट मोर पार्ट ऑफ किचन एंड ऑल अदर, you know, the sifting process and everything. Now I am completely settled. I'll come up with some new blogs about my house at the update. So see you soon in the next one. Thank you so much guys for watching.